यो हेलो गाइस, व्हाट्स अप बैक आवर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल। आज मैं हूँ बिल्कुल फुल जोश में। दिवाली आने वाली है, सब जोश में रहिए, बढ़िया रहिए, अपने घर पे अच्छे से दिवाली मनाइए। और ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, न्यू यूनिक रेसिपी आपके लिए मैं एक और लेके आ चुका हूँ दिवाली स्पेशल सीरीज की। वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो एक लाइक करके जाना। तो फटाफट से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है मैदा, जिसमें हमने नमक और तेल पहले से ही डाल दिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। और ये आटा क्या है, मैं अपनी मोम से लगवा रहा हूँ इस समय। और ये आटा कुछ इस तरीके का होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट आटा गूंदा है मेरी मोम ने। और आज की रेसिपी होने वाली है बहुत बेहतरीन। और इस आटे को थोड़ा ढक देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो देखिए, इसकी फिलिंग बना लेते हैं अपनी चरखी की। तो जो हमने तेल गर्म किया है ना, उसमें डालेंगे प्याज। ये फिलिंग बना रहे हैं जो हम चरखी में अपनी स्टफ्ड करेंगे, एकदम बढ़िया फिलिंग बना रहे हैं। और साथ में ग्रीन चिली स्पाइसीनेस के लिए। और बहुत ही यूनिक रेसिपी है गाइस, और ट्राई करना, एकदम बढ़िया चटाकेदार रेसिपी। यहाँ पर मटर और गाजर हैं, जिन्हें थोड़ा सा मैंने बॉयल कर लिया था, जिससे जो है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मैश करना है हमें आगे, तो ये मैश करने में भी एकदम आसानी रहे। थोड़ा एक दो मिनट के लिए मटर और गाजर को भून लेते हैं। इसमें हम कोई आलू वालू पनीर वनीर नहीं डालेंगे, सिंपल मटर की स्टफिंग बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट नमक। कहाँ है भाई नमक? नमक डाल दिया इसमें, और इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक अच्छा सा मिक्स देंगे, जिससे सारी सब्जियों पे अपना मसाला है ना वो अच्छे से लपेट जाए। और इसे हल्का सा दबाना है, हल्का सा नहीं पूरा ही दबाना है, और एकदम महीन एकदम इसका वो बना लेना है मिक्सचर, जिससे इसे भरने में आसानी हो। थोड़ा ढक देते हैं और पका लेते हैं। अब इसे अच्छे से दबा सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने इसे थोड़ा ढक दिया था ना, उसकी वजह से मटर जो हो गई है एकदम सॉफ्ट। यहाँ पर मैदे की एक लोई बना के बेलेंगे सबसे पहले एक गोल पेड़ा। और ये बिल चुका है मेरा एकदम गोल पेड़ा, मतलब पेड़ा क्या, रोटी बन चुकी है। और इसे हम काट लेंगे, ये करीब मेरे हिसाब से 4 से 5 सेंटीमीटर है एक्चुअली, पता नहीं कुछ नापा नहीं है, मैं अंदाजे से काट रहा हूँ, जिससे अच्छे से फिलिंग भर सकें। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना वो काट दीजिएगा, आगे चल के मैं बताने वाला हूँ आपको वीडियो में कि कैसे आपको एक्स्ट्रा पार्ट को काटना है। ये अभी छोटे छोटे स्ट्रिप तो हटा देते हैं, ये बड़ा वाला स्ट्रिप लेते हैं जो कि हमारे काम का है, छोटा वाला स्ट्रिप हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, उसे हम वापस आटे में मिक्स कर देंगे। स्ट्रिप लेके उसके अंदर भरेंगे फिलिंग। दोस्तों ध्यान कर लीजिए, फिलिंग को आप ठंडा कर लीजिएगा फिर भरिएगा। अगर आप गरम गरम फिलिंग भरेंगे ना, तो ये खुलने के चांसेस पूरे ही हैं, कुछ चांसेस नहीं पूरे ही चांसेस हैं। तो ये फिलिंग देख सकते हैं आप, मैं ओवरलोड नहीं भर रहा हूँ, बिल्कुल चार चार पाँच पाँच मटर के दाने लाइन से लगाए जा रहा हूँ, जिससे क्या है फिलिंग भी बरकरार रहे। और हमारे ये जो हम फ्रकनी बनाने वाले हैं ना, बिल्कुल नहीं खुले हैं, उनकी शेप गजब होने वाली है। थोड़ा सा इन्हें बैलेंस कर लेते हैं, और थोड़ा सा इस पर पानी लगा लीजिएगा आप। मैंने भी पानी लगाया था, पर दूसरे पे पहला मैंने ये ट्राई किया था, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये भी बढ़िया बना था, ऐसा नहीं बना था बढ़िया। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है, ये थोड़ा पेशेंस का काम है दोस्तों, ये फोल्ड करना थोड़ा पेशेंस का है, क्योंकि स्टफिंग भी बाहर नहीं आनी चाहिए आपका, ये अच्छे से सील पैक्ड भी हो जाना चाहिए। और इस तरीके से साइड के एजेस जो है ना वो निकाल दीजिए, क्या है एक्स्ट्रा स्वाद नहीं आना चाहिए ना। और ये निकालने के बाद हल्का सा इसे रोल करेंगे, जिससे अच्छे से जो इसकी वो है ना सील पैक वो हो जाए अच्छे से, बिल्कुल भी कहीं से खुले नहीं दोस्तों। ये दिवाली पे गाइज आपके लिए एकदम स्पेशल वीडियो है यार, लाइक करना, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया हूँ। अगर आपने अनार वाली वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी है ना, जाके देख लीजिए, हमने एक अनार की वीडियो भी इससे पहले बना दी है। ये चरखनी की वीडियो, अगली वीडियो तो मस्त होने वाली है एकदम। अब देखिए मैं पानी ऊपर से लगा रहा हूँ थोड़ा सा इस पर, और अच्छे से देख सकते हैं हमारी बिल्कुल ये जो लाइन है ना बनके रेडी है। और देख सकते हैं जिधर से मैंने मोड़ा था उधर से ही मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ, जिससे खुलने के तो बिल्कुल ही चांस नहीं रहेंगे, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और जैसे यार चरखी होती है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फोल्ड करते जाइए और चिपकाते जाइए, देखिए कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल नहीं खुलने वाली है अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो। और लास्ट में आके पिंच कर दीजिए वहाँ पर जहाँ पे एजेस होते हैं, कुछ इस तरीके की आपकी फ्रकनी होती है जैसा कि आप देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन एकदम लाजवाब। इस तरीके से बनाइए और खाइए, जैसे ही आप बाइट करेंगे ना मज़ा आ जाएगा। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं,
अब देखिए हमने ये तेल लिया है, इसमें हमने डाल दिए चरखरी जो हमने बनाई थी। अब इन्हें एकदम मीडियम आंच पे पकाना है, आप तेज आंच पे बिल्कुल मत पकाइए वरना ये कच्चे रह जाएंगे। देखिए हमारे कितने बढ़िया क्रिस्पी फ्रिकनी एकदम बन के रेडी हैं दोस्तों, यार क्या ही लग रहे हैं लाजवाब मसालेदार। इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।